पोथी हो मेरे स्वास्थ्य। इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रहा है भाई। ये मिमी मूवी था ना हिंदी में, उसी जैसा लग रहा है। पर उसमें हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। तो आज एक नेपाली मूवी का ट्रेलर रिएक्शन करने जा रहा हूँ। मूवी का नाम है माइकल अधिकारी। इसमें लीड स्टार में सौगात मल्हान एंड सिस्टी श्रेष्ठ एंड मैनी मो। चलिए दोस्तों, ये ट्रेलर रिएक्शन करते हैं। कुछ दिन पहले ही आ गया था पर मुझे लगा कि ये रिएक्शन करना चाहिए। थोड़ा कैसा है क्या है, तो बिना किसी तरीके गापी कृष्ण प्रोडक्शन कॉमेडी शायद होने वाला है। मैं बोला कॉमेडी होगा। सौगात मल्हान पैसा लग किन्ने परिवार सौगात मल्हान गजब कॉमेडी किया। मेरो नाम सुषमा अधिकारी, उमेर 27 वर्ष भयो अनि म बाडाकी आमा बन्न आके। ए सरोगेसी पर बनाने भा सरोगेसी आमा बन्न मलाई। ओके, यो निर्णय आफ्नै इच्छाले त लिनु भएको हो नि। एक गर्दिन, दुई गर्दिन, तीन गर्दिन। माइकल अधिकारी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रहा है भाई। लास्ट में इमोशनल भी है भाई, रंजीत रमियान। ये मिमी के जैसा लग रहा है, मिमी मूवी देखा उसी के जैसा लग रहा है। ये क्या हो गया भाई लास्ट में? ओके, लास्ट में पूरा एकदम चेहरा बिगड़ गया था, कोई वायरस हो गया था क्या? शायद पता नहीं, वैसा ही होगा। ये मिमी मूवी था ना हिंदी में, उसी के जैसा लग रहा है। पर उसमें उसमें भी कॉमेडी था, इसमें भी कॉमेडी है। पर इसमें जो पूरा होता है ना थीम तो सेम है, पर एक तरीका अलग है इसमें लग रहा है। पर इसमें कॉमेडी भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही कमाल के लगा। सौगात मल्हान और सिस्टी श्रेष्ठ के जो बीच का झगड़ा, वो बहुत ही मुझे इम्प्रेस लगा। बीच में जाकर फिर इमोशनल हो गया, फिर लास्ट में जाकर इमोशनल हो गया, बीच में कॉमेडी। ऐसे किसी के लास्ट में मुझे लगता है कुछ बहुत ही अच्छा देने वाला होगा। ये मूवी तो लगभग आ गया होगा, मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, अगर मिलेगा तो मैं देखूंगा। पर हाँ, मुझे इम्प्रेसिव लग रहा है। इसका सिनेमाटोग्राफी तो नेपाल में बहुत ही कमाल का होता है, आप लोग पता ही है। उसके बाद में बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा लगा, स्टोरी भी बहुत ही रिजिट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही होता है इम्प्रेसिव। सरोगेसी जो होता है ना, सरोगेसी बच्चा जन्माना, उस पर ये आधारित है। तो मुझे इम्प्रेसिव लगा, मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद में जो लास्ट में क्या होगा ये अभी कन्फर्म नहीं है, पर पूरा एट द मिमी जैसा लग रहा है। मिमी भी सही कहा था, मतलब कि उसका बच्चा नहीं लिया लास्ट में जाकर, उस मतलब प्यार हो गया। मतलब अब 9 महीना पेट पे रखोगे तो उसको
होता है ना, एक लगाव तो हो जाता है ना, वही लगाव के कारण से कुछ होता होगा और केस उस कर करके वो ले जाएगा बच्चा, पर इसका प्रॉब्लम हो जाएगा। और शायद इसमें एक और थपने वाला क्या है, इसमें शायद वो मतलब जिसका स्पर्म रखा गया है ना उसमें कुछ वायरस शायद होगा। ये दोनों पति पत्नी का देखा लास्ट में, ये मतलब ये केस उड़ गया है पूरा, मतलब यहाँ केस उड़ गया और मुंह में केस हो गया है, वो कुछ ना कुछ वायरस का लास्ट में होगा। वो अगर होगा तो बहुत इंप्रेसिव, मतलब ठीक है स्टोरी भी अच्छा एकदम तहलका, मतलब लास्ट में जाकर कुछ एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला, कॉमेडी भी बहुत ही तहलका, उसके बारे में इमोशनल टच भी बहुत ही अच्छा लगा, तो मूवी बहुत ही इंप्रेसिव होगा अगर वो होगा तो। वो है क्योंकि लास्ट में वो दिखाया मतलब होगा, और बीच में मतलब बच्चे मतलब अब घर में बताना पड़ेगा कि मतलब बच्चा हो गया तो बच्चा देखने आएगा बाप मतारी, तो उसका किसी और का बच्चा काला बच्चा दिखा दिया तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब कॉमेडी सीजनल कॉमेडी दिखाने की कोशिश किया। अच्छा है तो आप लोग ये ट्रेलर देखना चाहते हैं एक बार देखिए, ये सीजन में लिखे एक बार देखिए मज़ा आएगा, और मूवी देख लियो तो बहुत ही अच्छा बात। प्लीज़ थोड़ा स्टोरी के बारे में नहीं बताइए, थोड़ा रिव्यू दीजिएगा। तो माइकल अधिकारी सौगात मलाना से स्टेज सास्ट के मुझे अच्छा लगा, बहुत इंप्रेसिव लगा, तो आप लोगों को कैसा लगा अगर देख लिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और नहीं देखे हो तो देखिए। चलिए दोस्तों आज के इतना ही, धन्यवाद।